हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो गाइस, इस वीडियो में एक और नया तरीका लेके आ चुका हूँ जिसकी मदद से आप लोग मनी व्यू की क्रेडिट लिमिट अपने बैंक में काफी आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। हालांकि पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग पेटीएम पे रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन का यूज करके इसकी क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे गाइस, अब क्या हो रहा है कि पेटीएम ने चार्जेस बढ़ा दिए। यानी कि पहले जब मैंने बताया था तो वहाँ पे 1% के चार्जेस लग रहे थे, जो कि आप लोग मनी व्यू की क्रेडिट लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते थे तो आपको 1% के चार्जेस देने होते थे। लेकिन अब आप लोग मनी व्यू क्रेडिट लिमिट से बैंक में ट्रांसफर करने जाओगे, यानी कि मनी व्यू का क्रेडिट कार्ड यूज करके आप लोग रेंट पेमेंट करने जाओगे, तो आपको 2% के चार्जेस देने होंगे। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को पेटीएम पे चल के दिखा भी देता हूँ कि मेरे अकाउंट में 2% के चार्जेस अप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम 1% के चार्जेस लिए जा रहे थे, लेकिन अभी जब दोबारा मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे 2% के चार्जेस ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और नया तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को अपने मनी व्यू की क्रेडिट लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना है, इंस्टेंट ट्रांसफर करना है, तो आप लोग काफी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि 1% से चार्जेस थोड़े से ज्यादा तो लगेंगे, लेकिन 2% से कम लगेंगे और आप लोग उसको तुरंत अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेटीएम में क्या हुआ है, इसकी पहले 1% का चार्जेस ये ले रहा था, लेकिन अब इसने डायरेक्टली 2% के चार्जेस यहाँ पे कर दिए। अब ये पता नहीं है कि ये मेरे अकाउंट पे ले रहा है या फिर आप सभी के अकाउंट पे 2% के चार्जेस इसने अप्लीकेबल कर दिए मनी व्यू क्रेडिट कार्ड पे। तो अगर आप लोगों के अकाउंट पे भी 2% के चार्जेस लग रहे हैं, यानी कि आप लोग मनी व्यू क्रेडिट लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने जाते हो तो आपको 2% के चार्जेस दिखा रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पेटीएम में ले चलता हूँ, यहाँ पे इसके 2% वाले चार्जेस दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पेटीएम को ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, जहां से हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हो रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम कर लेते हैं वेट, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने आपकी यूपीआई आईडी वगैरह आ जाएंगी, ठीक। जो भी आपने यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रखे होंगे वो आ जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे अमाउंट को कर लेते हैं 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1000 रुपए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को चार्जेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए जो है इस पे क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है मनी व्यू का क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने जो है मनी व्यू का कार्ड यहाँ पे पहले ही ऐड कर रखा है, जो कि प्रीपेड कार्ड होता है, तो यहाँ पे गाइस ये रहा मेरा मनी व्यू का कार्ड, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चार्जेस आप लोग देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 2% की कन्वीनियंट फीस यानी कि 20 रुपए हमें यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो कि पेटीएम ने डायरेक्ट 1% के चार्जेस बढ़ा दी। अब जैसा कि पिछली बार हमने ट्रांसफर करा था तो यहाँ पे सिर्फ हमें 1% के चार्जेस लग रहे थे, ठीक है। अदर कोई चार्जेस नहीं लग रहे थे, लेकिन अब दोबारा हम इसको ट्रांसफर करने आ रहे हैं तो यहाँ पे 2% के चार्जेस इसने कर दिए। तो अभी इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को मनी व्यू की क्रेडिट लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर करना है तो सिंपली गाइस हम इसके लिए दूसरा एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को कर लेता हूं ओपन। तो इसके लिए गाइस हम लोग जो है फोन पे का यूज करने वाले हैं, यानी कि फोन पे रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक फोन पे कन्वीनियंट फीस कम लग रही है। हालांकि आगे जाके बढ़ जाए ये कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम जो है फोन पे आ चुके हैं और यहाँ पे रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पे देख सकते हो रेंट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम जो है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है मेरे 2 अकाउंट पहले से ही ऐड है। अगर आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट ऐड करना है तो नीचे यहाँ पे आपको होम शॉप रेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे होम शॉप रेंट वाले ऑप्शन पे आके सिंपली आप लोग अपने अकाउंट डिटेल ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम जो है होम शॉप रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऊपर आप लोग जो है रेंट अमाउंट डाल देंगे, नीचे प्रॉपर्टी का नाम डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लेंडर का नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछेगा कि आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो या फिर यूपीआई आईडी, ठीक है, यानी कि आपको अकाउंट पे ये पैसा ट्रांसफर करना है या फिर यूपीआई आईडी पे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंडर नेम डाल देता हूँ, और उसके बाद एक यूपीआई आईडी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो ये अमाउंट ट्रांसफर करना है वो यूपीआई में ही करना है, ठीक है। यूपीआई आईडी एंटर कर दिया, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये चूज पेमेंट मोड के लिए कह रहा है, यानी कि आप जो है पे यूज क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद पे यूज यूपीआई, यानी कि आपको यूपीआई से रेंट पेमेंट करना है या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर करना है, यानी कि पे लेटर की लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर करना है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा, तो हम जो है सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद गाइस हमारे सामने जो है पेमेंट वाला पेज आ चुका है। अब जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कि आपको जो है कितनी फीस यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब जैसे कि गाइस मुझे 10,000 रुपए अमाउंट एंटर करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे एडिशनल प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹130, यानी कि ये चार्ज करे जाएंगे अगर हम लोग फोन पे का रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी गाइस मेरा जो मनी व्यू का कार्ड है वो ऐड है, ठीक है।
तो यहाँ पे गाइस आप लोगों से जो है 1.5% से भी कम चार्जेस लिए जा रहे हैं। हालांकि पेटीएम पे डायरेक्ट 2% के चार्जेस लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग फोन पे का यूज करते हो, फोन पे के थ्रू रेंट पेमेंट करते हो, या फिर किसी पे लेटर की लिमिट या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है 1% चार्जेस यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, अब 10,000 के अमाउंट पे 130 रुपए चार्जेस लग रहे हैं, कोई ज्यादा भी नहीं है। अगर हम लोग पेटीएम का यूज करते हो तो यहाँ पे 200 रुपए डायरेक्ट हमें चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है 70 रुपए अपने बचा लिए। अगर मैं पेटीएम से ये ट्रांजेक्शन करता तो 70 रुपए मुझे फालतू लग जाते, ठीक है। हालांकि अभी जो है फोन पे चार्जेस कम लग रहे हैं, हालांकि कल बढ़ जाए या फिर परसों बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि पेटीएम में पहले 1% के चार्जेस लग रहे थे, उसके बाद 2% के कर दिए गए। इसी प्रकार से फोन पे हो रहा है कि अभी जो है ये इतने कम चार्जेस ले रहा है, आगे जाके ये भी चार्जेस बढ़ा दे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे CVV एंटर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली CVV एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी मेरी कार्ड की CVV है, जो कि ये मनीव्यू का ही कार्ड है गाइस, जो कि देख सकते हो SBM बैंक की तरफ से ये इशू करा गया है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो है CVV एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पे रेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब पे रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम करते हैं थोड़ा सा वेट इसके नेक्स्ट ऑप्शन को, जो कि हमें यहाँ पे OTP डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये प्रोसेस हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे OTP फिलअप कर देगा, ठीक है। तो अभी तक जो है OTP आया नहीं है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेरे ख्याल OTP आ चुका है और OTP यहाँ पे फिलअप भी हो गया है, ठीक है। OTP फिलअप भी हो गया और उसके बाद वेरीफाई प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। चलिए वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल OTP ऑटो फिलअप हो गया, तो चलिए हम जो है एक वर्ड को यहाँ पे काट देते हैं और दोबारा से एंटर कर देते हैं, क्योंकि ऑटो फिलअप होने के बाद कभी कभी ये नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे वेट, जो कि पेमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और ये देख सकते हो UR रेंट पेमेंट हो चुकी है भैया सक्सेसफुली, यानी कि इंस्टेंट ये पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ऊपर मैसेज भी देख सकते हो, जो कि बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि भैया 10,000 रुपए मेरे बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि पहले मैंने आप लोगों को पेटीएम के बारे में बताया था, क्योंकि वहां पे चार्जेस काफी कम लग रहे थे, सिर्फ 1% के चार्जेस लग रहे थे, लेकिन अभी जो है फिलहाल वहां पे 2% के चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो मैंने फोन पे पे ट्राई करा तो यहाँ पे चार्जेस काफी कम आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। अगर आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी क्रेडिट लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप लोग जो है फोन पे का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को मनीव्यू एप्लीकेशन पे 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप लोग वहीं से भी काफी आसानी से के पे लेटर को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि वहां पे भी चार्जेस आपसे जो है 2% के और 3% के लिए जाते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपसे जो है 3% के चार्जेस लिए जाएंगे। अगर आप लोग UPI ID एंटर करके पेमेंट करोगे तो वहां पे आपसे 2% के चार्जेस लिए जाएंगे। और वहां पे एक फीचर और मिल जाता है गाइस आप लोगों को, स्कैन एंड पे का, जो कि अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। अब काफी लोग उसके बारे में कमेंट भी कर रहे थे कि भाई हमारा ये फीचर वर्क नहीं कर रहा, तो भाई आप ही क्या नहीं, किसी का ये फीचर वर्क नहीं कर रहा है। अभी मैं भी गाइस किसी न किसी मर्चेंट का QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास वहां पे भी एरर शो हो जाता है, ठीक है। जो कि अभी जो है मनीव्यू का स्कैन एंड पे वाला फीचर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल काफी जल्दी ये वर्क करेगा, क्योंकि काफी लोग मनीव्यू के क्रेडिट लिमिट दबा के यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो रेंट पेमेंट के माध्यम से हो, या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हो, या फिर UPI एंटर करके बैंक में ट्रांसफर करने के माध्यम से हो, ठीक है। लेकिन मनीव्यू की क्रेडिट लिमिट फिलहाल काफी लोग अभी जो है यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गाइस आप लोग जो है फोन पे का यूज करके अपनी जो है मनीव्यू की क्रेडिट लिमिट काफी आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा गाइस कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देख लेते हो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करो। लोगों के चक्कर में मैं अपना नुकसान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी क्रेडिट लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए ये ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ। यानी कि सिर्फ आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए मैं जो है पे लेटर या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो रियल है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तो भाई चैनल वैनल को जरूर सब्सक्राइब करा करिए, सपोर्ट अपोर्ट करिए यार थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।